यहाँ हमने 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर हम तवा गरम करेंगे और इस पे लगभग 1 चम्मच हम सौंफ लेंगे और इस सौंफ को हमें हल्का हल्का भून लेना है। ध्यान रहे सौंफ जले नहीं, इसको हल्का ही भूनना है ताकि इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगे। सौंफ लगभग भुन गई है मेरी, इसको हम इसमें निकाल के और हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। यहाँ हम कढ़ाई गरम होने रखेंगे और इसमें हम 3 कप नाप के मुरमुरा डालेंगे और इसको लो से मीडियम आंच पे हल्का हल्का सेक लेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। इसको हमें बिना तेल या बिना घी के भूनना है खाली। ये मेरे 3 कप हो गए हैं और इसको मैं हल्के हल्का भून लेती हूँ मीडियम आंच पे। इसको चलाते रहना है बीच बीच में ताकि ये मुरमुरे जले ना। इसको हमें तब तक भूनना है, आप एक मुरमुरा लेके दबा के देखेंगे तो ये एकदम पता चल रहा है क्रिस्पी है। बस यहाँ तक आने के बाद हम इसको दूसरी प्लेट में खाली करेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे ताकि गुड़ में थोड़ी शाइनिंग आ जाए और लड्डू दिखने में भी अच्छे लगे। घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये गुड़ डालेंगे 1 कप और इसको हमें धीमी आंच पे ही पकाना है वरना गुड़ जलने लग जाएगा। मार्केट में 2-3 तरीके के गुड़ आते हैं, मैंने ये जो ज़्यादा डार्क ब्राउन गुड़ होता है वो लिया है। वो खाने में भी टेस्टी होता है, मेल्ट भी जल्दी हो जाता है और लड्डू दिखने में भी अच्छे लगेंगे। अब इसको हमें धीरे धीरे ऐसे ही हिलाते हुए मैश करते हुए मेल्ट कर लेना है। ये देखिए गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लगा है, पर हमें सिर्फ इसको मेल्ट नहीं करना है, इसको इस कंसिस्टेंसी तक मेल्ट करना है ताकि ये ठंडा होने के बाद जम जाए और मुरमुरों को सॉफ्ट ना करे। अगर ये ठीक से मेल्ट नहीं होगा तो लड्डू बंद तो जाएंगे पर बाद में मुरमुरे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसको हम थोड़ी देर और पकाते हैं। अच्छी तरीके से मेल्ट होने के बाद इसमें हमने जो भुनी हुई सौंफ और अदरक कद्दूकस किया था उसको मिक्स करेंगे। सौंफ और अदरक की वजह से गुड़ में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। भूनते भूनते इसमें देखिए बबल्स आने लगे हैं। इस टाइम हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा गुड़ अच्छी कंसिस्टेंसी में मेल्ट हो गया है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप एक कटोरी में पानी लेंगे, उसमें हल्का से गुड़ का बूंद डालेंगे। अगर कुछ ही सेकंड में ये गुड़ मेल्ट नहीं हुआ और जम गया तो इसका मतलब है कि आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, और अगर ये पानी में घुल जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ी देर और भूनना है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये गुड़ है ये मेल्ट नहीं हुआ है, पानी में नहीं घुला है। इसका मतलब है कि हम इसको बंद कर सकते हैं और इसमें मुरमुरा मिला सकते हैं। तो चलिए हम इसमें मुरमुरा मिलाते हैं। इसके लिए हमें पहले करनी होगी गैस ऑफ और इसमें हम हमारे सारे मुरमुरे डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें लड्डू हल्के गर्म होने पर ही बांधने, क्योंकि अगर ये ठंडे हो गए तो ये जम जाएंगे और इसके हम फिर शेप नहीं दे पाएंगे। थोड़ा गर्म लगेगा पर ठीक है, पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए आप फ़ैन के नीचे ना बैठें वरना फ़ैन में गुड़ बहुत ही जल्दी जम जाता है और ये
गर्म ठंडा हो जाएगा। मेरा गुड़ और मुरमुरे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इनको अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, ये अभी छूने में बहुत ही गर्म है। लगभग एक मिनट बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको ये गर्म लगे ज़्यादा छूने में, तो आप हल्का हाथ पानी में गीला कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये थोड़े थोड़े उठा के इसके लड्डू बनाने हैं। स्पीड थोड़ी जल्दी रखनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ही जल्दी जमने लग जाता है। ये देखिए, साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। मुझे मीडियम साइज़ पसंद है, तो मैं थोड़ा उस हिसाब से छोटा ही बना रही हूँ। इस तरीके से एक एक करके आप सारे लड्डू बना के रख लीजिए और इनको आप कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। इसे आप थोड़ी देर के लिए फ़ैन में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और खाने में उतने ही क्रिस्पी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।